हुजूर फरमाते हैं जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसका उतना जिक्र करता है, उसका उतना जिक्र करता है। भाई हमें तो जो मिला है सैयदा कायनात के दर से मिला है, सैयदा कायनात के दर से मिला है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सैयदा कायनात की शान में, लॉकडाउन खुलेगा तो ऐसी कॉन्फ्रेंस कराएंगे कि मुहिब्बान अहले बैत के दिल बड़े हो जाएंगे, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। और उसमें मुल्क भर से जिज्जत उलमा को बुलाएंगे, मशायख को बुलाएंगे, कायनात कॉन्फ्रेंस होगी और इंशाअल्लाह सैयदा की इज्जतों के ऐसे झंडे लहराएंगे कि उस शाकान मुस्तफा के दिल। हम सैयदा का जिक्र करके सैयदा का नाम ऊंचा नहीं करते। यहाँ वही बात है जो हजरत हसन बिन साबित ने कही थी, या रसूल अल्लाह मेरा कलाम आपका नाम ऊंचा नहीं करता, आपका नाम मेरा कलाम ऊंचा कर देता है। हम जो सैयदा का जिक्र करेंगे ना उससे सैयदा का नाम बुलंद नहीं होगा, हम बुलंद होंगे। याद रखना सारी दुनिया सैयदा जाहरा के दर पे आके गिर जाए ना तो सैयदा को कोई दे नहीं सकती। सैयदा को बदा तो मिलनी हुजूर ने फरमाया है, हुजूर ने सैयदा को दुनिया से जुदा खुद फरमाया है। अब्दुल रहमान सोहेली कहते हैं सैयदा हुजूर से जुदा नहीं है, हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिलनी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो रसूल के जिगर का टुकड़ा है। किसी की तारीफ से उसको कुछ मिलता नहीं, किसी की भौंक से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका जिक्र है ऊंचा हो ले। याद रखना सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा, तुम क्या जानो सैयदा क्या है। सैयदा की बात करने से पहले अदब एहतराम को मलहूज रखना चाहिए, सैयदा की बात करने से पहले निकाहों को झुका लेना चाहिए, सैयदा की बात करने से पहले अपनी औकात देखनी चाहिए, सैयदा की बात करने से पहले अपनी जात देखनी चाहिए, सैयदा की जात बात करने से पहले अपना नसब देखना चाहिए। और वो रसूल की बेटी है, रसूल की शहजादी है। सुनो सुनो जरा, अल्लाह अकबर, जो प्यार करते हैं उनको ये मुझदा एदा विदा हुजूर ने सुनाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये खुद भी जहन्नम से नजात पाए हुए हैं, जो इससे प्यार करेगा वो भी जहन्नम से नजात। हाँ हम उन पे भी लानत भेजते हैं जिनको सहाबा के जिक्र से तकलीफ होती है, लेकिन सैयदा सलाम अलैहा की बात, सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा की बात करने से पहले सोचना चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी नकल किया और इमाम तकीउद्दीन सुबकी भी फरमाते हैं कि जब हजरत इमाम शाफी, ये बड़े गौर से सुनिएगा, जब हजरत इमाम शाफी ने यह बयान फरमाया ना, जो मुस्लिम की हदीस है कि किसी औरत ने चोरी की, उस पर हाथ लगाने का हुक्म दिया गया, सिफारिशें हुजूर तक पहुंची कि उसको छोड़ दिया जाए, हुजूर ने फरमाया कि अगर इसमें गिरामी लिया कि यह भी जो है वो करे तो मैं इनको भी इसमें माफ ना करूंगा, इनके ऊपर भी हाथ लगाई जाएगी। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी आपके कदमों पर कुर्बान ना जाओ, इमाम शाफी की मोहब्बत अहले बैत पे कुर्बान ना जाओ। इमाम शाफी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अहले बैत की मोहब्बत को तुम रिब्स कहते हो और अहले बैत की मोहब्बत से मुझ पर यह फतवा लगाते हो तो मुझे यह फतवा भी कबूल है तुम्हारा। ये इमाम शाफी का कौल है। इमाम शाफी जब यह बयान किया करते, ये इमाम सुयूती ने भी नकल किया और इमाम तकीउद्दीन सुबकी भी फरमाते हैं कि इमाम शाफी ने जब यह हदीस बयान की, जब यह हदीस बयान की तो इस तरह बयान की कि हुजूर ने फरमाया अगर फला औरत भी ये करती तो मैं उसको भी सजा देता। ये नहीं कहा देखो लिखा है तो बयान कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि देखो लिखा है बयान कर रहे हैं, देखो लिखा है बयान कर रहे हैं, कहा कि हुजूर हुजूर है, हुजूर जो चाहे कह सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। हुजूर हुजूर है, हुजूर हुजूर है, हुजूर कह सकते हैं कि अगर मेरी बेटी भी हो तो, लेकिन हमारी औकात नहीं, हमारी औकात नहीं। हदीस में खयानत नहीं की, इमाम शाफी ने जब हदीस लिखी तो पूरी लिखी, हदीस में खयानत नहीं की, लेकिन जब बयान किया तो ये नहीं कहा लिखा है तो बयान कहे, कहा हुजूर कह सकते हैं लेकिन हमारी औकात नहीं है, औकात में रहो सैयदा बहुत ऊंची।
सैयदा बहुत ऊंची है, सैयदा का मकाम बहुत ऊंचा है। मकाम मरियम और हवा भी है बचा, लेकिन तेरा मकाम है, तेरा मकाम या लहरा, तेरा मकाम है, तेरा मकाम या सहरा, तेरा मकाम है, तेरा मकाम या, तेरा मकाम है, तेरा और है अंबिया ने तेरा एहतराम या ज़हरा, है अंबिया ने तेरा एहतराम या ज़हरा, है अंबिया ने तेरा। हमारे शेख बयान फरमा रहे हैं कि जरा वो हदीस तो बयान करो कि सैयदा की इज्जत, हुजूर सैयदा की इज्जत मैदान महशर होगा, अर्श के बीच में से आवाज आएगी, तख्त के दरमियान में से आवाज आएगी, खुद अबसारा कर नजरों को झुका लो, सवाल होगा क्या होने वाला है, जवाब होगा सैयदा फातिमा तो जहरा की सवारी पुले सरात से गुजरती, सैयदा कायनात की सवारी ने पुले सरात से गुजरना है। इसलिए तो हम कहते हैं सैयदा का नाम किसी के ऊंचा करने से ऊंचा नहीं होता, वो ऊंचा है और किसी के मिटाने से मिटेगा भी नहीं। सैयदा का नाम किसी दीवार पे नहीं लिखा कि जिसका दिल आए मिटा दे, हाजल से लिखा है खालिक ने अपने हाथों से, असल से लिखा है खालिक ने अपने हाथों से, शबीर मत पे तेरा तमाम या तेरा तमाम या ज़हरा, जबी देवत पे तेरा तमाम या। सैयदा आपने तो हमारी खताएं बख्शवानी है, सैयदा तो वो है जिन्होंने खताएं बख्शवानी, सैयदा वो है जिन्होंने खताएं बख्शवानी है, सब बोलो सैयदा वो है जिन्होंने खताएं बख्शवानी है, सैयदा वो है जिन्होंने खताएं बख्शवानी है, सैयदा वो है जिन्होंने खताएं बख्शवानी है। सैयदा सैयदा की जिंदगी में एक लम्हा भी नजासत सैयदा के पास नहीं आई, बेशक बेशक एक लम्हा भी सैयदा की जिंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें उंगली उठाई जा सके, हर एक सांस एक सांस भी छोड़े बगैर, हर एक सांस से आती थी मुस्तफा की महक, तेरी हयात सीने पे हाथ रख कर सब कहो सैयदा तेरी हयात पे लाखों सलाम या ज़हरा।
तेरा एहतराम या ज़हरा है अंबिया में तेरा एहतराम या ज़हरा।